तेजस्वी यादव के बंगले के अंदर जब बिहार तक के रिपोर्टर पहुंचे तो जो नजारे कैमरे ने कैद किए वो होश उड़ाने वाले थे। तेजस्वी यादव के बंगले में साज सज्जा की ऐसी ऐसी चीजें लगी थी जिसे देख अच्छा खासा आदमी भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। जिस बंगले को लेकर लड़ाई पटना से दिल्ली तक चली और आखिरकार तेजस्वी को हार का मुंह देखना पड़ा, उस बंगले को देखने के लिए बीजेपी के विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग इसे पर्यटन स्थल मानकर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही दो विधायकों से बात की हमारे संवाददाता ने। पार्टी के विधायक भी आए हैं इस बंगले को देखने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट की तरह आपने आए हैं देखने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल म्यूजियम जैसा बना हुआ है और ये बंगला नहीं एक महल है, एक गरीब नेता का ये इतना बड़ा महल है वो हम लोग देखने के लिए आए कि एक गरीब बाप का बेटा जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहता है वो सरकारी पैसे से कितना बड़ा महल खड़ा किया है वही देखने आए। उत्सुकता क्यों थी कि आखिर देखने आया जाए? पांच इतनी चर्चाएं हुई कि ऐसा बनाया गया वैसा बनाया गया, जिस बंगले को लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम लड़ाई लड़ करके हार के यहाँ आए हैं बंगला छोड़ने के लिए। तो मुझे लगा कि इस बंगले को जरूर देखना चाहिए और देखने पता चला कि गरीब बेटा का कितना बड़ा महल बना हुआ है। बीजेपी के विधायक संजय सरोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत सारे विधायक पांच देशरत्न मार बंगले को देखने के लिए आ रहे हैं, आखिर ऐसी उत्सुकता क्या है आप लोगों के अंदर? गरीबी की बात करने वाले, गरीबों के बात करने वाले, जिस तरह बिहार के जनता का पैसा इसमें लुटाया है, अब पता चलता है कि 18 बरस की उम्र में 29-29 फ्लैटों के, अपार्टमेंटों के, जमीनों के मालिक। हम लोग तो अभी गए तो हम लोग को आश्चर्य हुआ, ये क्या जनता का पैसा है, इस तरह लुटाया जाता है करोड़ों रुपया। आज तक हम लोगों ने टेबल में एसी नहीं देखा था। आज तक इतना बरस हो गया, हम लोग की उम्र 47-47 बरस हो गई, टेबल में एसी, ड्रेसिंग में एसी। बाप, इतना अपव्यय पैसा का, वो भी बिहार की जनता का पैसा का अपव्यय अपने शान शौकत के लिए। जनप्रतिनिधि हम लोग तो जनता ने चुनकर भेजा है, जब तक है तब तक है, लेकिन इस तरह बनाया जैसे पूरा जीवन इसी में रहने आए हो। और उनकी महत्वाकांक्षा भी होगी क्योंकि अपने नाम पर तो जीते नहीं, परिवार के नाम पर जीते हैं। परिवार जो है उन टिकट दे दिया, नेता हो गए, और जो हालत है, जितना पैसा अपव्यय हुआ है, प्रधान मुख्यमंत्री जी के बंगला में हम लोग बराबर जाते हैं, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति भवन हम लोग गए हैं, मतलब जिस तरह जनता के पैसा का बर्बादी किया गया है, आश्चर्य। तो जनता के पैसे की बर्बादी की गई है और शायद यही एक वजह है कि कई सारे लोग जो हैं बीजेपी के सरकार के लोग हैं वो अब उत्सुकतावश जो है इस बंगले को देखने के लिए आ रहे हैं, सभी कमरे में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या था इस बंगले में जिसको लेकर पिछले 1.5 साल से विवाद चल रहा था और तेजस्वी इसको खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। जाहिर है, क्या विधायक और क्या मंत्री तेजस्वी के इस पूर्व बंगले को देखकर हर कोई हैरान है। पटना से रोहित कुमार सिंह, बिहार तक।